अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसा बेटा? बस ठीक हो भाई जान। सॉरी सॉरी। आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है यार। बोल कैसे आना हुआ? बस भाई, भाई आपकी तरह मुझे भी ये सब करना है। क्या भाई, जैसे कि आपने पहले भाईगिरी से कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से पॉलिटिक्स, फिर पॉलिटिक्स से सोशल वर्क किया है ना। देखिए भाई, भाईगिरी से बिजनेस तक तो मैं पहुंच गया हूँ, पैसे भी बहुत कमा लिए, अब पॉलिटिक्स का नंबर है और फिर सोशल वर्क तो है ना उसके बाद। समाज सेवा। रोज खबरें छपती हैं तेरी अखबारों में, कभी वसूली, कभी मारा मारी और कभी ये गुंडागर्दी। ओए, अगर इस गुंडागर्दी से पास नहीं आया ना, फिर भूल जाइए पॉलिटिक्स। अरे भाई, वो आज की न्यूज है ना, वो लास्ट न्यूज है। अगर आज के बाद ना अगर न्यूज आएगी तो गुड न्यूज आएगी, बस एक बार मौका दे दो ना भाई। अच्छा, तो फिर एक काम कर, वो है ना मेरा नाथ आश्रम का फंड है ना, वो फाउंडेशन का, उसके लिए 50 लाख का एक चेक दे दे, इसी बहाने एक अच्छा काम भी हो जाएगा। ये चेक कट रहे किसके नाम पे? ये चेक दे। ये लो भाई। भाई ये आप ही भर लीजिए। अब तो पॉलिटिक्स में अपनी एंट्री कंफर्म है ना। सौदेबाजी कर रहा है? क्या बात कर रहे हो भाई, मेरी मजा ले क्या? मैं तो अच्छे काम की प्रैक्टिस कर रहा हूं। अच्छे काम के लिए अच्छी नीयत का होना बहुत जरूरी है। मैं समझा नहीं भाई। तू समझेगा भी नहीं। अब देख सत्तार, पैसा तो इंसान अपने नसीब से कमा लेता है, लेकिन लोगों का दिल जीतने के लिए ना नसीब की नहीं, अच्छी नीयत और अच्छे दिमाग की जरूरत होती है, जो अल्लाह के फजल से तेरे पास आया है। तो या तो तू उसको इस्तेमाल करना नहीं जानता, या फिर जाता ही नहीं है। ओए पटेल। हाँ भाई। और तू इसको समझाता नहीं? नहीं, मैं समझाता हूँ, लेकिन भाई समझते ही नहीं है ना। नहीं, समझते हैं भाई, समझते हैं, लेकिन समझ समझ में फर्क होता है ना भाई। आप ऐसे ही चप्पल मार लो ना, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में घुसना है बस। लोगों के घर में घुस रहा है? ओए, सियासत का मतलब है अवाम, और लोगों को साथ लेके घुस, और सबसे बड़ी बात है लोगों के दिलों से अपना डर निकाल, उनके दिलों का हाल जान, उनकी तकलीफों के लिए रास्ते निकाल। इज्जत देने से इज्जत मिलती है, देख लेना, जब तू उनको इज्जत देगा ना तो यही लोग तुझे सर पे बैठा लेंगे, और एक बार तू उनके सर पर बैठ गया ना तो कुर्सी पर भी बैठा देंगे, फिर देखना पुत्र, दिल्ली दूर नहीं। भाई आपकी बात है ना दिमाग में बैठ गई है, आपकी बात हिट भी है और फिट भी। एक घंटे से धपाधप 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 दे रहा था, दिया मिर्जा की तरह। वो सानिया मिर्जा? वो अरे मिर्जा तो है ना यार। हाँ, क्या है ना, वो यूसुफ भाई को ना मैं बाप की तरह मानता हूँ। हाँ। इज्जत करता हूँ मैं उसकी, और आज वो मेरे को इज्जत सिखा रहा था। क्या नाम है रितिरा? टी-शर्ट। वो क्या है ना, वो पुराना चावल है। हाँ। ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देख देख के बड़ा हुआ है। बराबर। समझा, ये लंबे लंबे डायलॉग देने से किसी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। लोगों के दिलों पर राज करो, समझा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। दिल्ली दूर नहीं, गधे पे बैठो, ऊंट पर बैठो, बैलगाड़ी में मत बैठो। बैलगाड़ी पे मत बैठो, करेक्ट। चार लोग के साथ धंधा शुरू किया था, आज 400 लोग हैं अपुन के पास, हलवा है क्या? तेरा मुंह ये बैंगन की तरह क्यों लटके ला? नहीं कुछ नहीं। बोल ना। बुरा नहीं लगेगा ना आपको? नहीं 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 भाई, यूसुफ भाई सही बोल रहे हैं। हाँ भाई, नहीं मतलब सुनते तो आप उन्हीं की हो, और उन्हीं को ही मैं सुना नहीं, वापस बोल। नहीं मतलब आप सुनते तो यूसुफ भाई की हो ना, और उन्हीं को ही आप फोन। हाँ बोल। अरे आ रहा हूं ना। ए गधे। क्या? तेरे को नहीं, उसको बोल रहा हूं। ए गधे, सेंट्रल के बर्थडे पे ले